तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक। तो स्वागत है आपका हूं चिड़े वाइफ की वीडियो में। कैसे सबके सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। लास्ट वाले एपिसोड में आप सबको पता होगा, हमने अमेंडा को एक लग्जरी गाड़ी गिफ्ट करी है बीबी गेमिंग के शोरूम से, और जो गाड़ी का ब्रांड है वो है डबल आर, मतलब रोल्स रॉयस, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग गाड़ी है और ठीक ठाक प्राइस में अपने को मिल चुकी थी। और एक चीज़ और, जो जिमी है वो लास्ट टाइम वीडियो में भाग गया था यार घर छोड़ करके, उसके जो दिमाग में एम चल रहा ना, उसका जो दुश्मन है उसको उसे ख़त्म करना है। अब तो सब कुछ सही हो चुका है, क्योंकि जो जिमी है उसको हम लोग घर लेकर के आ गए थे और वो ना अभी अपने फ्रेंड के पास गया हुआ है घूमने फिरने के लिए। तो ठीक है यार, अब सही है। और सबसे पहले ना मैं आपको अपनी रूल्स वूल्स दिखाता हूँ, और एक मेबैक का जो फीचर है ना, जो लास्ट वाली मेबैक में नहीं था, वो मैं आपको चल करके दिखाता हूँ। और एक मेन चीज़, आपने ऊपर के साइड अपना एयर डिफेंस देखा, उसकी ना मैंने पोजीशन को चेंज करवा दिया है। अपने जो छत के ऊपर तीनों एयर डिफेंस थे ना, उनमें से एक को मैंने यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि ये सामने की साइड से एक एंगल को कवर कर लेगा। और यहाँ पर एक बार नज़र मारो गाइस, ये जो मेबैक है इसमें ना डांसिंग फीचर है अपने इस वाली मेबैक के अंदर, क्योंकि ना जो लास्ट वाली थी उसमें ये फीचर तो बिल्कुल भी नहीं था। और रेसर इसको इस टाइम पर टेस्ट कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। और ये ना खास चीज़ इसकी ये है गाड़ी की, अगर सड़क पर चलेगी तब भी हम लोग इससे डांस वगैरह करवा सकते हैं, जिसको देख करके ना बहुत ज़्यादा अलग सा लगता है यार। और ड्राइवर कह रहा है कि अब हट जा, मैं इसको ड्राइव करके देखता हूँ। और आपको पता है, अगर ड्राइवर इस पर बैठा और इसने ना भाई बहुत ज़्यादा ऐसे बटन को पुश करना, ख़राब कर देना है। तो चलो अब जल्दी से ना मैं आपको एक बार रोल्स रॉयस को दिखाता हूँ, जो कि हम लोग लेकर के आए थे अमेंडा के लिए। और ये है वो गाइस लग्जरी गाड़ी, जिसका एग्जॉस्ट तो नॉर्मल होता है आपको पता है, लेकिन जो इसकी लग्जरी फील होती है ना, वो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। तो चलो गाइस यार, अब जल्दी से, आप लोग क्या कर रहे हो, वीडियो पर न्यू हो तो जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक कर दो। जो लाइक है मैं वो है पूरे 40,000 लाइक्स का, चैनल पर न्यू हो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग हैं 7 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज। तो जाओ गाइस जल्दी से सबके सब सब्सक्राइब करो। वैसे तो गाड़ियों की बात करें, गाड़ियाँ तो ना 8 या 9 अपने मेलुबी मेंशन पर हैं, जो कि आधी रेसिंग गाड़ी हैं आधी लग्जरी गाड़ी हैं। भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा कलेक्शन है अपने पास। और ये गाड़ी अपनी डिफेंडर, जो कि पूरी बुलेट प्रूफ है, ठीक है। और अपने पास दो अपने ट्रक खड़े हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन एक सेकंड यार, ये लूसिया को क्या हो गया, ये इतनी ज़्यादा परेशान क्यों है, इससे ना एक बार मैं बातचीत करता हूँ। देखो गाइस, इस टाइम पर मेरी लूसिया से पूरी क्लियर बात हो चुकी है। लूसिया को ना किसी अननोन पर्सन का कॉल आया था, और उस बंदे ने ना लूसिया को बोला है कि हमें ना तुम्हारी गाड़ी मिली है हाईवे के ऊपर पूरा, जिसका एक्सीडेंट हो रखा है। तो लूसिया को पहले ट्रस्ट नहीं हुआ, तो इसने बोला कि ऐसे तुम कैसे कह सकते हो, तुम्हें कैसे पता। तो उसने बोला कि हमने नंबर प्लेट को सर्च करा, उस पर माइकल डिसेंटा ऑनर आ रहा है। और देखो गाइस, मेरे पास मोबाइल नहीं है, वो ख़राब है। अब जो भी है, जिमी ने एक गाड़ी लेकर के गया हुआ था, मेरे को लग रहा है कि यार उसने कुछ ना कुछ तो कांड कर दिया है। मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो इस टाइम पर मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को तो बोल दिया, ये लोग बिना यहाँ से निकल रहे हैं सीधा उस लोकेशन के लिए। और सामने की साइड फूडो गाड़ी है अपनी, सेंटर में डबल आर रहने वाली है, और बैक साइड पर अपना डिफेंडर लेकर के आ रहा है एक बॉडीगार्ड। तो तेरी किस बात की गाइस, थोड़ा बहुत ना मैं भगा करके जल्दी से उस लोकेशन पर चलता हूँ, बाकी ना मेरा मूड पूरा ना ऑफ हो चुका है। एक तो ना जिमी झूठ बोल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। वो तो कह रहा था कि मैं अपने फ्रेंड के पास हूँ, हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं कोई सेलिब्रेशन टाइप में। लेकिन इस टाइम पर अगर ये बात उस अननोन पर्सन के साथ हुई, तो जिमी यार अपने से झूठ बोल रहा है, क्योंकि ना गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो रखा होगा तो बेकार चीज़ है यार, बहुत ज़्यादा बड़े वाली प्रॉब्लम है। इस टाइम ना मैं अपनी जल्दी से ना रोज़ रोज़ को भगा करके अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सीधा चलता हूँ उस बताई हुई लोकेशन पर। ओके तो गाइस, इस टाइम पर ना हम लोग अपनी गाड़ियों को भगा करके सीधा पहुंच चुके हैं उस बताई हुई लोकेशन पर, जो कि अपने को एक अननोन पर्सन ने बताई थी। अब देखो गाइस, मेरे को ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि अगर ये बात सच हुई, अगर वो गाड़ी हमारी हुई, तो जिमी भाई बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में होगा। अब जल्दी से ना हम लोग उस लोकेशन के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन एक मिनट यार, एक येलो कलर की मेरे को गाड़ी तो नज़र आ ही रही है। अब ये मेरी मस्टैंग है, मेरे को तो लग रहा है, एक मिनट, मैं पहले ना गाड़ी को थोड़ा बहुत साइड लगाता हूँ, और अपने बॉडीगार्ड्स भी आ चुके हैं, तो सबसे पहले इसका ना एक नंबर चेक करते हैं। और एक मिनट, अब यार ये गाड़ी तो मेरी ही है, लेकिन जिमी कहाँ है यार, जिमी को देखता हूँ, अंदर की साइड तो नहीं बेहोश हो रखा। नहीं यार, जिमी तो अंदर है ही नहीं है।
तो एक काम करो बॉडीगार्ड्स, तुम लोग ना जिमी को सर्च करो, वो डर करके, मेरे को लग रहा है उससे एक्सीडेंट हो गया होगा, डर करके यहाँ से भाग गया होगा। एक तो मेरे को टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैंग्स हैं। सामने की साइड ग्रीन गैंग का एरिया है, लेफ्ट हैंड साइड पर ब्लास्ट का एरिया है और भी ज़्यादा गैंग्स रहती हैं। तो मैं सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, मैं ना मैकेनिक को कॉल करता हूँ और फिर जिमी को ढूंढते हैं, क्योंकि जो गाड़ी है ना उसकी कंडीशन मेरे को ठीक लग रही है कि वो नॉर्मल रिपेयर वगैरह हो जाएगी। तो एक मिनट, ये क्या हो गया? अबे भाई, ये अपने बॉडीगार्ड शूट कर रहे हैं किसी को, और कोई तो ना फायर वगैरह कर रहा है ऊपर से, जो कि एक बजूका मार रहा है। रुको, ये जो भी है इसको मारना पड़ेगा। और इसके पास एक गाड़ी है येलो कलर की, कोई मेरे को नजर आ रही है, कौन से? अबे भाई, ये तो रेंज रोवर है यार। रुको रुको रुको, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैंने ना अपने बॉडीगार्ड्स का फ़ोन ले लिया था तो मैं मैकेनिक को कॉल कर रहा था। तो एक काम करता हूँ, अपनी रोल्स रॉयस को ना, ठीक है यार जल्दी भगाओ, मैं भी अपनी अपनी गाड़ियों को भगा करके उससे येलो रेंज रोवर का पीछा करता हूँ। बाकी रोल्स रॉयस आपको पता है इसकी जो स्पीड है ज़्यादा तगड़ी तो है नहीं है, लेकिन जितनी भी भागेगी मैं पूरी फुल ट्राई करता हूँ यार इसको पकड़ने का, आज देखा जाएगा। देखो, एक तो कल मैं गाड़ी परचेज करके लेके आया हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया, और ऊपर से आज मैं इसको लड़ाई में भगा रहा हूँ। अब देखा जाएगा यार आगे से ना, अपने को राइट की साइड मुड़ना होगा और यहाँ से अपनी गाड़ी को मैं पूरी फुल स्पीड में भगाता हूँ आगे। गाड़ी को भगा रहा हूँ गाइस, जो गाड़ी की स्पीड है ना आप देख रहे हो 90 या 100 पर ही जा रही है, और आगे की साइड ना मेरे को कुछ फायर का साउंड आ रहा है। और ये देखो, ये तो अपनी गाड़ियाँ यार, और इन्होंने रेंज रोवर को फाइनली पकड़ लिया है। अबे यार रुको, मैं ना चल करके इसको उतारता हूँ, देखता हूँ ये है कौन। अबे रुक जा, ज़्यादा देर तक कहाँ ही भाग पाएगा। रुक भाई, एक काम कर यार, बॉडीगार्ड अपने को ना मेरी डिफेंडर दे दे, ठीक है? तो एक काम कर, तो रोल्स रॉयस को लेकर के थोड़ा बहुत तो पीछे के साइड ही रहना, क्योंकि आपको पता गाइस जो अमेंडा की ये रोल्स रॉयस है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है उसको, और अगर इसको कुछ हुआ तो वो भाई मार ही डालेगी माइकल को। अपनी डिफेंडर को ना नीचे की साइड तो लेकर के आ चुका हूँ, और वो देखो गाइस जो येलो कलर की रेंज रोवर है ना सामने की साइड जा रही है। अब तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, अपनी जो डिफेंडर है ये पूरी फुली बुलेट प्रूफ है, और ऊपर से जो इसकी स्पीड है बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है। कहाँ रोल्स रॉयस चल रही थी 80-90 पे, ये तो भाई 200-300 टच कर जाती है, और ये जा रहा है ना, इसको एक टक्कर मार करके मैं रोकने की पूरी ट्राई करता हूँ, और मेरे को ना जस्ट ये देखना है कि इसके अंदर है कौन। और एक बॉडीगार्ड अपना पीछे की साइड आ चुका है, और दूसरा भी आ गया, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अमेंडा की गाड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरी। लेकिन ये कहाँ निकल रहा है यार? अरे नहीं भाई, देख रहे हो एक अपना बॉडीगार्ड ना उसको पकड़ने की पूरी फुल ट्राई कर रहा है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली फायर कर रहा है। और ये देखो, ये रहा रेंज रोवर वाला, और ये यहाँ से कहाँ निकल गया? अबे यार, मेरे को ना इसको पकड़ना होगा जैसे तैसे, और जल्दी से भगाता हूँ, मैं जाने तो नहीं देने वाला यार आज। और एक मिनट, वो जा रहा है ना बिल्कुल सामने की साइड से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक अपना बॉडीगार्ड तो इसको पकड़ने की पूरी फुल ट्राई कर रहा था, लेकिन गाइस उसके पास ना थोड़ी वुडो गाड़ी है जो कि चलने में थोड़ी सी स्लो है, लेकिन इसको अब पकड़ता हूँ मैं, और मैं देखना चाहता हूँ कि इस रेंज रोवर के अंदर कौन है। लेकिन अबे नहीं 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 नहीं, ओ भाई उसने फायर करा, लेकिन वो तो शुक्र करो उसका जो फायर है मेरी वुडो गाड़ी के ऊपर नहीं लगा। और ये बंदा भाई कैसे ड्राइव कर रहा है यार, खंभे वगैरह सारे गिरा दे रहा है, ट्रैफिक को जाम करके जा रहा है। ये देखो क्या चक में दे रहा है यार ये बंदा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस टाइम पर तुम्हारा भाई भी बहुत ज़्यादा ढीठ है, ये जितनी फुल स्पीड में भगाएगा उससे ज़्यादा दुगनी मैं भगाऊंगा। लेकिन यार उसने जो ट्रक से कट मारा ना उसमें मैं ठुक गया यार। रुको, अब पकड़ता हूँ इसको, ठीक है? ये है कौन बस वो पता चल जाए ना, तो मेरे दिमाग में लग रहा है कि इसी ने शायद से जिमी का कुछ कर दिया, या तो इसने किडनैप कर दिया। पूरी प्लानिंग भाई इसकी थी, इसको एक बार पकड़ो फिर मेरे को पता चल जाएगा कि जिमी कहाँ पर है, और इसको अब ऐसी टक्कर मारने वाला हूँ। लेकिन नहीं, अब यार उसी टाइम पर राइट मोड़ ली गाड़ी, अरे नहीं मेरी टक्कर हो चुकी है इधर। रुको यार, इसको ना पकड़ना पड़ेगा जैसे तैसे, अगर ये हाथ से निकल गया तो बहुत ज़्यादा बड़े वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी वो इस लोकेशन में आया जहाँ पर लेस्टर का पुराना घर था, लेकिन अब कहाँ गया यार? वो रहा, ठीक है इसको ना पकड़ूंगा। अब तो देखो तुम्हारा भाई इसको पकड़ कर ही रहेगा, इसको ऐसी टक्कर मारूंगा ना, एक ही टक्कर में इसकी पूरी गाड़ी को तोड़ करके रख दूंगा। और अब टक्कर पड़ने वाली है इसको बैक साइड पर बहुत ज़्यादा दबा करके, और यहाँ नहीं 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 नहीं, अबे भाई बच गया, ये क्या चला रहा है भाई। और इस टाइम इसके टक्कर पड़ी, और जो मेरी गाड़ी है, अरे यार फंस क्यों गई है ये, चल गई, ठीक है अब जल्दी से इसको ना पकड़ता हूँ। अरे यार ये अभी तक तो इधर ही था, कहाँ जा चुका है? और इसने तो ना परेशान कर दिया है, अरे नहीं अपना बॉडीगार्ड भी भाई रिवर्स करते करते मेरे में ठुक चुका है।
रुको गाइस, को ना पकड़ना होगा जल्दी से, और अपना रोल्स रॉयस वाला भी आ चुका है। ऑलमोस्ट गाइस, मैं इसको पकड़ते पकड़ते रह जा रहा हूँ, और ये ना गाइस फायर कर दे रहा मेरे ऊपर। लेकिन इस टाइम अब मैं इसको बच करके भागने नहीं देने वाला। अब ना इसने ऑफ रोडिंग वाले रास्ते पर उतार लिया, और आपको पता है जो डिफेंडर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है ऑफ रोड वाले रास्ते पर। लेकिन अरे नहीं 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 भाई, बच गया, पाइप के अंदर ठुका होता। और ये किस रास्ते से जा रहा है यार, इधर लेफ्ट राइट कर रहा है। ये देख रहे हो, मेरे को पकड़ना होगा। अबे कहाँ गया वो, जा रहा है सामने की साइड। अब तो ना मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये क्या कर रहा है भाई, कुछ तो सोच रहा है, ये क्या कर रहा है यार, मेरे को इसका ही कुछ समझ सा नहीं लग रहा है। रुको, ये कहीं जंप तो नहीं करवाएगा, क्योंकि सामने की साइड, अरे भाई इसने जंप करवा दिया है। मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है इस टाइम पर। तुम्हारे भाई ने भी डिफेंडर को करवा दिया जंप, और अपने जो फूडो गाड़ी है वो भी आ चुकी है, तो बहुत ज्यादा सही। और लेकिन एक मिनट, नहीं यार, अपनी जो डिफेंडर है यहाँ पर ठुक चुकी है, और अपना बॉडी गार्ड भी ठुक चुका है। अबे क्या हो गया यार इसको। नहीं यार एक मिनट, मेरे को लग रहा है ना डिफेंडर में शायद से कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। गन को निकालता हूँ मैं जल्दी से, और अपना बॉडी गार्ड ना सामने की साइड फायर कर रहा है। और यार वो एस्केप हो गया है येलो रेंज रोवर वाला बंदा। अबे यार पूरा ना मूड ऑफ हो चुका है, मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि जिमी कहाँ पर हो सकता है। और इतना तो लग रहा है कि अगर जिमी उस बंदे के पास ही हो सकता है। पता नहीं भाई क्या सीखना है, अब जैसे तैसे ना कोई प्लान वगैरह बनाना पड़ेगा। मैंने एक बार लूसी वगैरह को कॉल करता हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। तो देखो गाइस, इस टाइम पर मेरी लूसिया से बात हो चुकी है कॉल पर, और लूसिया ने ना जिमी के फोन को ट्रेस करा। और जो लोकेशन है ना गाइस, वो रनिंग लोकेशन नहीं है। आपको पता है जो रेंज रोवर है येलो कलर की, जो अभी अभी भागी है, अगर जिमी उसके अंदर होता तो उसकी लोकेशन ना हमेशा स्विच हो रही होती, इधर उधर मूव हो रही होती। लेकिन लूसिया कह रही है कि वो उस गाड़ी में नहीं है, ना ही तेरे आसपास है। उसकी लोकेशन हमें पता चली है, हमें ना गाइस वहाँ पर जाना होगा। और मैंने ना अपने फ्रेंड को भी कॉल कर दिया है, अपने बॉडी बिल्डर को, और वो भी यहाँ पर आता ही होगा। और बाकी मेरे को ये तो मालूम नहीं है कि वो कब आएगा, लेकिन मैं इस टाइम पर टावर पर आ चुका था। अब देखा जाएगा यार, उससे मेरी बात होगी थी, वो कह रहा था कि माइकल दिक्कत की बात नहीं है, ट्रेवर वगैरह गाइस थोड़े बहुत बिजी हैं और वो कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। तब तक मैंने बोला कि तू आ जा यार, देखा जाएगा जो भी होगा। और साथ में थोड़े बहुत तो वेपन्स लेकर के आया अपने, जो अपने तगड़े वाले वेपन्स है ना, हाईटेक वेपन, जिनसे हमने उन दुश्मनों को डरा दिया था। और यहाँ पर देखो गाइस, अपना बॉडी बिल्डर आ चुका है अपना हाईटेक वेपन लेकर के, और इसके हाथ में भाई वेपन है। अपने को जो क्रेट मिली थी ना गाइस, उसका तो क्या ही कहना। और एक आधा वेपन चला करके दिखा दे यार, ऊपर की साइड देख रहे हो गाइस, क्या खतरनाक से वेपन है। और यहाँ पर देखो यार, यहाँ अपनी दोनों गाड़ियाँ आकर के ठुकी थी, और वो जो येलो रेंज रोवर है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा तेज बंदा था, उसको पकड़ने के चक्कर में हम लोग यहाँ पर ठुक गए। और अपना जो बॉडी गार्ड है, आप लोग इसकी हालत देख रहे हो, इसके कपड़े वगैरह भी फट चुके हैं थोड़े बहुत। अब यार देखा जाएगा, कोई मैकेनिक को हमने बोल दिया है, बॉडी गार्ड्स अपने ना देख लेंगे। और डिफेंडर भी यहाँ पर खड़ी है, जो भी अभी चलने लायक नहीं है। तो हम लोग क्या काम करने वाले हैं, हम लोग चलने वाले हैं सीधा इस प्यारी सी मैक्लारेन के अंदर। अगर मैं आपको इसका एग्जॉस्ट सुनाऊं, जिन लोगों ने नहीं सुना तो यहाँ पर एक बार ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा तगड़ा एग्जॉस्ट है यार। तो चल यार, अपने बॉडी बिल्डर जल्दी से अपने को निकलना होगा इस टाइम पर जिमी के पास। और यहाँ पर अपने हाईटेक वेपन्स हमारे हाथ में भी हैं यार, दिखाऊं क्या आपको उतर के एक बार मैं। ये देखो अपने हाईटेक वेपन्स ये रहे, और यहाँ पर आपको पता ना ये बहुत ज्यादा तगड़ी गन है। तो ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ से अपनी मैक्लारेन को भगा करके चलते हैं सीधा जिमी को बचाने के लिए। और पता नहीं यार उसकी लोकेशन वहाँ पर क्या शो कर रही है, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। या तो एक्सीडेंट उसका हुआ तो वो डर करके भाग गया, या तो कोई और बात है। और यहाँ पर ये मैक्लारेन की जो स्पीड है ना, अंदाजा मैं लगा पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा तगड़ी है। और एक मिनट, अरे भाई क्या ड्रिफ्ट मार रही है ये गाड़ी, देख रहे हो। ये तो ना मैं सोच रहा हूँ कि इसको रेसिंग टूर्नामेंट के अंदर लेकर के जाऊँ। और ये तो अपने जेस्कोप से भी ज़्यादा तगड़ी लग रही है यार, पता नहीं क्यों मेरे को। एक बार ना मैं इसको पूरा भगाने की ट्राई करता हूँ। और ये देख रहे हो, अंदर से तो इंटीरियर इसका बहुत ज़्यादा ही तगड़ा है। और यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि इसको जंप वगैरह करा करके सीधा चलते हैं हम लोग इस हाईवे के ऊपर। और एक मिनट, प्रॉपर लैंडिंग हो जाए। ठीक है यार, प्रॉपर लैंडिंग कर लिया तुम्हारे भाई ने इस गाड़ी के साथ, लेकिन थोड़ा सा रॉन्ग साइड में आ चुका हूँ। यहाँ से अपने को ना
राइट में जाना होगा। अरे आराम से, अरे यार ये ड्रिफ्ट पता नहीं क्यों मार रहा है। तो चलो प्रॉपर से हम लोग आ चुके हैं ऊपर, अब जल्दी से ना इधर से मैं अपनी मैक्लेरन को भगा करके सीधा चलने वाला हूँ चिमी की उस लोकेशन पर जो अपने को लूसिया ने बताई है। तब तक ओपी स्पैम कर दो। चलो गाइस इस टाइम पर ना हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं अपनी मैक्लेरन को भगा करके जिमी की लोकेशन पर। लेकिन एक सेकंड यार, रुको यार, आपको पता चला कि वो कौन सी गाड़ी है? मेरे को पता चल चुका है, जिस गाड़ी का हम लोग पीछा कर रहे थे ना, ये वही गाड़ी है। और शायद से इसको अभी तक मेरे ऊपर शक नहीं हुआ, लेकिन अरे 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 भाई रुको रुको रुको, मेरे को ना इसका पीछा करना होगा। और मैंने अपने बॉडी बिल्डर को बता दिया है कि हमें इसको पकड़ना है, ये वही गाड़ी है। और ये यार इधर क्या कर रहा है ये बंदा? एक तो अपनी जो मैक्लेरन है ना गाइस, बहुत ज़्यादा रेस वाली गाड़ी है, तो इधर उधर ड्रिफ्ट मार जा रही है। और वो कहाँ जा रहा है यार? अभी तक तो इधर ही था, पता नहीं भाई कहाँ पर गया। और वो जा रहा है, टक्कर मारने वाला हूँ मैं इसको दबा करके। और चल निकल। ओ भाई, पता नहीं यार उसमें ना कोई व्हाइट शर्ट वाला बंदा बैठा हुआ है। रुको यार, अब तो ये बंदा गया सही में। अब तो ना तू भाग करके दिखा बेटा। लास्ट टाइम मेरे पास तो डबल आर मतलब रोल्स रॉयस थी, और इस टाइम पर रेसिंग गाड़ी मैक्लेरन है, तो इसको अब मैं भागने तो नहीं देने वाला। देखो अपने पास हाईटेक वेपन्स भी आ चुके हैं, लेकिन ये गाड़ी ड्रिफ्ट मार जा रही है यार। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार ना ऊपर तक जा रहा है ना, तू भाग बेटा भाग। ऊपर से तो भागने का रास्ता ही नहीं है, बस देखा जाएगा यार जो भी होगा। इसको ना सीधा जा करके मैं ठुकने वाला हूँ। एक तो अपनी गाड़ी ठुक जा रही है यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार इसको ड्राइव करना सही में। ये तो रेसिंग ट्रैक पर चलने वाली गाड़ी, और ये जा रहा है वो बंदा। रुक जा, ऑलमोस्ट मैं इसके क्लोज पहुंच चुका हूँ, और ये जा रहा है ये बंदा। और कहाँ जाएगा यार, अब तो फंस चुका है सही में। और चल निकल इधर से। और एक मिनट, इसके अंदर बैठा कौन है? अबे कोई तो व्हाइट शर्ट वाला था, लेकिन इसने जंप करवा दिया। और तुम्हारे भाई ने भी अपनी गाड़ी को यहाँ से जंप करवा दिया है। और आ जा भाई आ जा, अब तो तू ना मरने वाला मेरे हाथों से। लेकिन अबे भाई मैं क्या करूँ इस मैक्लेरन का यार। रुको यार, टूट फूट रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग इसको रिपेयर वगैरह करवा लेंगे। और अब तो ये गया, ये जा रहा ना, इसको ऐसी टक्कर मारूंगा और चल निकल इधर से। ठीक है, अब बारी है सीधा ये ग्रेविटी गन मारने की, अपने हाथ में लेते हैं। और ये जा रहा है कहाँ पर है? सामने की। अबे कहाँ भाग गया यार, अभी तक तो इधर ही था। रुको भाई, इसको ना मारना पड़ेगा। ये रहा क्या, फायर कर रहा है मेरे ऊपर, चल इधर से। अबे अबे भाई, एक ग्रेविटी गन मिस हो चुकी है। और ये पता नहीं भाई व्हाइट शर्ट वाला बंदा कौन है, कहाँ से आ रहा है? आवाज़ तो इधर ही कहीं से आ रही है इसकी, नीचे की साइड है। अब देखो भाई इसके, ये जा रहा है, चल इधर। ओ भाई एक बजाया मैंने, और एक हवा के अंदर इसके मैंने बजा दिया, चल निकल इधर से। देख रहे हो इस टाइम पर अब बजाते हैं इसके ये वाली गन, और अब जो इसकी गाड़ी है ये ब्लास्ट हो जाएगी। और ऑलमोस्ट, अरे भाई एक आधी और गोली टच हुई होती है ना तो ये ब्लास्ट हो जाता। वो नीचे की साइड जा चुका, रुको इसको बजाता हूँ मैं। अबे यार ये क्या दिक्कत दे रहा है यार, इसको पता चल गया है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा तगड़ा वेपन है, तो ये यहाँ से भागने की पूरी फुल ट्राई कर रहा है। इसको ना एक आधी टच करता हूँ, अगर जस्ट ये मेरे क्लोज होता ना गाइस, मैं सही में इसको अभी मार देता। और बॉडी बिल्डर को हमने बोल दिया था कि तू गाड़ी के अंदर ही बैठ, और अब जल्दी से ना मेरे को उसका पीछा करना होगा। वो कहाँ पर है? सामने की साइड है क्या? अबे यार ये दूसरी बार एस्केप हो गया मेरे को लग रहा है, पता नहीं यार अभी तक तो इधर ही कहीं था, लेकिन अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे को ना यहाँ से जंप करवानी पड़ेगी अपनी गाड़ी। चलो गाइस इस टाइम पर मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी को जंप वगैरह करवा करके, लेकिन मेरे को यार वो बंदा दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी। अरे यार अभी तक तो वो यहीं था ना, पता नहीं भाई कहाँ गया। लेकिन उसको छोड़ो भाई, इतना तो पता चल चुका है कि जो जिमी है उसके पास नहीं है, वो किसी और लोकेशन पर है। और अपने को ना उस लोकेशन पर जाना होगा, तो ये रास्ते से हम लोग निकल जाएंगे शायद से। तो कैसे ना इधर उधर भगा करके मैं सही लोकेशन तक पहुंच गया हूँ। तो ठीक है, भगाता हूँ इसको, चलते सीधा जिमी के पास और आराम से चलाता हूँ यार गाड़ी को। ओके तो गाइस इस टाइम पर हम लोग फाइनली अब जा करके पहुंच चुके हैं उस लोकेशन के क्लोज जहां पर अपने को लूसिया ने भेजा था। और ये ना किसी डेंजर सी लोकेशन लग रही है। और एक मिनट यार इधर नज़र तो मारो। अबे भाई ये ना एक गैंग की लोकेशन है शायद से, क्योंकि ना बाहर की साइड बंदे खड़े हैं, अंदर की साइड गाड़ियां खड़ी हैं। और मैंने ना गाइस सही टाइम पर अपने बॉडीगार्ड्स वगैरह को पहले मैंने कॉल वगैरह कर दिया था कि तुम लोग भी यार जल्दी से इस लोकेशन तक पहुंचो, और वो लोग भी ना शायद से आते ही होंगे। तो सबसे पहले ना मैं काम करता हूं, आगे की साइड जा करके ना मैं चेक करता हूं, और अपना ये जो बॉडी बिल्डर है ये भी है इधर। और एक काम करता हूं गाइस, अपने मोबाइल को खोलता हूं और ये देख रहा हूं गाइस आगे की साइड कुछ बंदे खड़े हुए हैं। तो यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन को अंदर रख के अपनी प्यारी कौन सी गन निकालें भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ी है अपने पास ना ये ग्रेविटी गन है। ठीक है,
ग्रेविटी गन को लेकर के चलते हैं सबसे पहले आगे और रख करके अब मैं इसके बचाने वाला हूँ। 3, 2, 1। ओ भाई, एक गोली मारी और उसको मैंने मार दिया है और उनको पता ही नहीं चला कि मैंने गन कहाँ से फायर करा था। ठीक है यार, अब जल्दी से ना अपने को एक काम करना चाहिए, एक आधे को और बजाता हूँ। ओ भाई वो रहे यार, उनको पता नहीं चल रहा है मैं सही में बोल रहा हूँ। देखो यार, इस टाइम पर ना बंदे आने शुरू हो चुके हैं और मैं इनके हेडशॉट वगैरह बचा रहा हूँ अपने खतरनाक वाले वेपन से। और ये देख रहे हो, अपने बॉडीगार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। ओ भाई, सामने की साइड ना उन्होंने फायर वगैरह करना शुरू कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आओ यार, देखा जाएगा, सबको मारेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और जो जिमी है वो कहाँ पर हो सकता है? और ये कौन भाई मार रहा है? तू कैसे मार रहा है मेरे को? ओ यार, मैंने इसको लात वगैरह मार करके गिरा दिया। रुको, ऐसे मजा नहीं आ रहा ना तुम्हें, अब मजा आने वाला। ठीक है, और तू चल इधर से। ठीक है गाइस, ये जो गन है ना मेरे हाथ में, बहुत ज्यादा तगड़ी गन है यार। ये एक बंदा डर के मारे खड़ा हुआ है, वो देखो भागने की पूरी फुल ट्राई कर रहा है। इसको मार दिया है तो अपने बॉडी गार्ड ना ऊपर की साइड चले जाएंगे। और अंदर की साइड ये डोर है क्या? ओ भाई, ये डोर है एक। ठीक है, मेरे को लग रहा ना ऊपर की साइड बंदे हैं, देख रहे हो। इनको बजाता हूँ मैं। अब तो ये जो नॉर्मल वेपन है ना, इनको चलाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, इसको चलाते हैं। ओ भाई, मैंने मार दिए हैं 2-3 बंदे। मैं ऊपर की साइड चलता हूँ, अपने जो बॉडीगार्ड्स और बॉडी बिल्डर है ये लोग नीचे की साइड संभाल लेंगे। मैं पहले ना जिमी को सर्च करता हूँ बाहर की साइड से, कहीं वो लोग उसको लेकर के भाग तो नहीं रहे ना। बंदे ना ऊपर की साइड भी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर अपना जो बॉडी बिल्डर है ये आ चुका है। और यहाँ पर एक बार नजर मार रहे हो, मैं बंदों को कैसे खत्म करूँ? चलना इधर से, ज्यादा हीरो नहीं बन रहा था तू। देख रहे हो, पीछे की साइड से बंदे आ रहे हैं और वो तो भाग ही गया बेचारा डर करके। देख रहे हो, इन्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ रही, सीधा ग्रेविटी गन चला रहा हूँ और ये लोग हवा में उड़ करके गिर जा रहे हैं। और कुछ बंदे पीछे की साइड है, चलो ना, इनके तो सर दिख रहे हैं, इनको हेडशॉट बजा दिया है। और आओ यार, जो भी आ रहा है ना आओ, सबसे पहले ना मेरे को ऊपर की साइड से निकलना होगा। ठीक है यार, मैं इस साइड में थोड़ा बहुत कवर में आ चुका हूँ और यहाँ से एंगल मेरे को प्रॉपर नजर आ रहा है। प्रॉपर भाई, तुम लोग छत से गिरोगे। ठीक है, अब ये लोग गाइस गिरने वाले हैं, चलो इधर से। ओ भाई, क्या गिरे हैं भाई ये लोग छत से, अपने बॉडी बिल्डर के हाथ में भाई एक गन है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये भी मारेगा सबको। लेकिन सबसे पहले मैं इनको मारता हूँ यार। वो देखो, अपनी लेजर गन्स चल रही है नीचे की साइड, बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर इनको किसने ख़त्म कर दिया? शायद से अपने बॉडी बिल्डर ने कर दिया होगा। और कुछ बंदे भाग रहे हैं डर के मारे भाई, पूरे कांप रहे हैं। और अपने जो बॉडी बिल्डर है और बॉडी गार्ड ये आ चुके हैं। और इसको क्या हो गया यार, ये मेरे को बीमार सा क्यों लग रहा है आज? पता नहीं भाई क्या हुआ पड़ा है। लेकिन आओ यार, जल्दी से ना नीचे की साइड चलता हूँ मैं। तो चलो गाइस, इस टाइम पर ना हमने बाहर की साइड सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन अपने को ना जिमी अभी तक दिखाई नहीं दिया है। और मैंने ना अपने बॉडी गार्ड्स को बोल दिया है कि तुम बाहर की साइड रहो, लेकिन एक मिनट, अंदर बंदे हैं क्या? और ये देख रहे हो गाइस, बंदे बहुत ज्यादा हैं। और मेरे को ना इस टाइम पर ये वाला वेपन निकालना चाहिए। और ये देख रहे हो, ये डर गया था अपना हाईटेक वेपन देख करके। रुको यार, मैं ना अपने बॉडी बिल्डर को कवर देने वाला हूँ, अपने बॉडी गार्ड अपने को पीछे की साइड से कवर दे रहे हैं। और जितने भी बंदे हैं, अभी चलना इधर से। ठीक है गाइस, यहाँ देख रहे हो भाई क्या खतरनाक वाली फाइट हो रही है। और अब बारी है इस ग्रेविटी गन को शूट करने की। और देख रहे हो, उछल करके जो गिर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल गिर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ बंदे हैं, अपना जो बॉडी बिल्डर है ये मार दे रहा है और मैं इनके हेडशॉट बजा दे रहा हूँ। और पीछे की साइड एक बंदा है और ये देख रहे हो, डर गया ये। रुको यार, इसको भागने दो। अब गया ये, कहाँ तक भागेगा यार, ये मर ही गया है भाई साहब, बेहोश हो गया ये तो। ठीक है यार, अब जल्दी से ना अपने को आगे की साइड ये वाली गन चलानी चाहिए। एक आधा हेडशॉट बजाते हैं और अब बारी है ये जो अपनी ग्रेविटी गन है इसको चलाते हैं। और यहाँ पर कुछ बंदे हैं ना, चलो यार इधर से। ठीक है यार, हमने मार दिए हैं बहुत ज़्यादा बंदे। ठीक है, 2-3 बंदे आगे की साइड हैं, इनको भी बजाते हैं। और जिमी कहाँ है यार, मेरे को वो नज़र नहीं आ रहा है यार, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि जिमी कहाँ पर हो सकता है। लेकिन ये कोई ना एक मीट फैक्ट्री है, बहुत ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री है। और मैं ना बस जिमी को आगे की साइड पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को जिमी कहीं पर भी पता नहीं यार कहाँ पर है। यहाँ हो सकता है क्या? मेरे को लग रहा है अपना जो बॉडी बिल्डर है ये आगे की साइड जा रहा है, अपना एक बॉडी गार्ड बैक साइड पर है और हम लोग भागते भागते आगे की साइड जा रहे हैं। लेकिन एक मिनट, अबे ये रहा जिमी, इधर बेहोश हो रखा है और इसके ऊपर एक टेबल रखा हुआ है। देख रहे हो गाइस, यार जिमी तो इधर है और इसके ऊपर एक टेबल रखा हुआ है। और मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये कौन कर सकता है। लेकिन एक मिनट भाई, ये वही बंदा यार जो जिमी का दुश्मन था और इसने एम कर रखा। और वो देखो, अपना जो बॉडी बिल्डर है वो पीछे से आ चुका है और इस बंदे को बिल्कुल भी पता नहीं है। और यहाँ पर देखो भाई, क्या उसने पंच मारा है।
ठीक है यार, और जो इसकी गन है ना वो यहाँ पर गिर चुकी है और इसको अब खड़े होने दो, इसके ऊपर हम लोग एम करने वाले हैं और ये बंदा हैंड्स अप करेगा। ठीक है बच्चों हो जा भाई, अब तू हैंड्स अप कर ले, अब तू खत्म हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई जिमी को टच भी करने की? और जिमी ठीक है मेरे को तो ऐसा लग रहा है, लेकिन उसके हालत ठीक नहीं है। और यहाँ पर देखो गाइस इसने एम कर लिया है, और आ जा चुपचाप बाहर की साइड आ जा, और अगर कोई भी चलाकी करने की ट्राई करी तो मैं ना गाइस इसको अभी के अभी ख़त्म कर दूंगा। और जो अपना बॉडी बिल्डर है वो यार जिमी को देखेगा और वो उठा करके ले आएगा और भाग करके आ जा भाई, मैं तेरे को पहले बोल दे रहा हूँ, जल्दी आ इधर। और जो इसकी गन है ना गाइस वो अपने बॉडी बिल्डर ने ले लिया है, चल जल्दी से आगे की साइड चल। और अगर इसने कोई भी चलाकी करी तो मैं बचा दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है अब जल्दी से ना हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। और आपको पता है यही वो बंदा है, और अपना एक बॉडी गार्ड इधर आ करके खड़े हो चुका है और यहाँ पर भी है। ठीक है ठीक है ठीक है, हमने फाइनली इसको पकड़ लिया है। और ये डर चुका होगा भाई अपने हाथ में तगड़ा सा वेपन देख करके, और ये भाग करके बाहर से तो बाहर ही नहीं भाग जाएगा ना। रुको अबे रुक जा, अब रुक जा, मैं बचाऊँ क्या तेरे सर के ऊपर गोली। रुक गया ठीक है, तो चल अब जल्दी से निकल इधर से। और मेरे को ना किसी बंदे की आवाज़ आ रही थी यार राइट साइड से। ओ भाई यहाँ पर कुछ इसके बंदे हैं, यहाँ पर मार दिया मैंने इसको भी। ठीक है यार अबे मर जाना, जब बॉस को इसके पकड़ लिया है ये अलग हीरो बन रहा है। चलो अब रुक जा, बहुत हो गया तेरा, रुक जा। पकड़ लिया फाइनली गाइस मैंने इसको। ये देख रहे हो ये कह रहा है कि इसको छोड़ दें, अब ऐसा ये नहीं करेगा। लेकिन इसने जिमी को टच कैसे करा यार, ये देख रहे हो गाइस, कह रहा है कि डील कर लेते हैं हम लोग आपस में, हाथ मिलाने के लिए बोल रहा है। लेकिन नहीं यार मेरे को हाथ वगैरह नहीं मिलाना है, मेरे को इसके हेड बजाना है। 3, 2, 1 चलो यार इसको फाइनली हमने ख़त्म तो कर दिया है। और आपको पता है यार ये जिमी का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा था, तो चलो यार उसको तो हमने मार दिया है। अब जल्दी से चलते हैं सीधा अंदर की साइड। और ये देख रहे हो गाइस अपना ये जो बॉडी बिल्डर है ये यहाँ पर आ रहा है जिमी को उठा करके, और बाकी जितने भी अपने बॉडी गार्ड्स हैं ये भी इधर हैं। और इसको मैं बोल देता हूँ यार तो इसको लेकर के ना हॉस्पिटल के लिए निकल ले, और अपने को एक काम करना चाहिए, हमें विनयन के साथ साथ चलना चाहिए हॉस्पिटल के लिए। लेकिन एक मिनट ये कॉल लूसिया का क्यों आ रहा है मेरे नंबर पर? जल्दी से ना गाइस इससे ना एक बार मैं बातचीत करता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कि ये क्या कह रही है। देखो गाइस इस टाइम पर लूसिया से मेरी पूरी प्रॉपर बात हो चुकी है। लूसिया कह रही है कि वो जो येलो कलर की रेंज रोवर थी ना उसने उसका नंबर पूरा ट्रेस करा, और जो उसका ऑनर है पता नहीं यार उसका क्या नाम था, लेकिन वो जो लोकेशन है ना उसने ना बीबी गेमिंग के शोरूम से परचेज करी है वो गाड़ी। अब भाई बीबी गेमिंग के शोरूम से परचेज करी है, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, कहीं वो उसको जानता तो नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है। तो मैं काम करने वाला हूँ, जल्दी से ना उसको कॉल करता हूँ पहले, और उसके बाद मैं सीधा उससे मिलने के लिए चलता हूँ। ठीक है जल्दी से ना मैं उसको एक बार कॉल कर लेता हूँ। देखो गाइस इस टाइम पर मेरी बीबी गेमिंग से पूरी प्रॉपर बात हो चुकी है, और वो कह रहा है कि मैंने तेरे को कुछ दिखाना है, तेरे को कुछ बताना है, जल्दी से ना गाड़ी वाले शोरूम पर आ जा उसके। और मैंने उसको बोला कि येलो रेंज रोवर के बारे में तेरे से पूछना था, जो अपने ऊपर अटैक कर रहा था वो तेरे शोरूम से गई हुई है गाड़ी। तो कह रहा है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पहले ना मेरे पास आ और फिर बात करते हैं। और ये जो अपने बॉडी गार्ड्स हैं ना गाइस ये लोग ना जल्दी जिमी के पास चले जाएंगे उसके हॉस्पिटल पर, उसको ये लोग गार्ड वगैरह करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो जल्दी से ना मैं अपनी मैकलेरन को भगा करके यहाँ से चलता हूँ सीधा बीबी गेमिंग के शोरूम पर, और वहाँ पर जा करके ना मेरा तो दिमाग में गाइस कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि जो येलो कलर की रेंज रोवर अपने को मार रही है वो बीबी गेमिंग के शोरूम से परचेज हो रखी है, और भाई पूरा ना भाई कहानी उलझ रखी है। ओके तो गाइस इस टाइम पर ना मैं मैकलेरन को लेकर के बीबी गेमिंग के शोरूम के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुका हूं, और शोरूम पर ही जा करके अब सारी की सारी बात पता चलने वाली है। और उसका जो शोरूम है ना आगे से राइट साइड में है, और बाकी ना गाइस मेरा ना पूरा दिमाग खराब हो रहा है यार। एक तो जिमी का जो दुश्मन था उसको हमने मार दिया है और इस बात की खुशी है, लेकिन जो जिमी है उसकी कंडीशन ज्यादा सही नहीं है। लेकिन एक मिनट पीछे की साइड देख रहे हो ये कौन आ गया है? ओ भाई तू कब आया? आगे मैं बस अभी अभी पहुंचा हूँ, तू ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, मेरे को लगा तो शोरूम पर है। नहीं नहीं मैं बस यार अभी आया जैसे तूने कॉल किया। हाँ बताओ हुआ क्या है जिमी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? देख वैसे जिमी को किडनैप कर लिया था एक बंदे ने जो कि उसका दुश्मन था, तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं ना? अभी तो ठीक है वो? दिक्कत नहीं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको अभी मैं बचा करके लेकर के आया हूँ। और एक बात पूछनी थी देर से जो मेन बात है। हाँ बता बता। तेरे शोरूम से कोई येलो कलर की रेंज रोवर बिकी है पता नहीं जो अपने ऊपर अटैक कर रही थी, अगर तेरे को याद हो येलो कलर की रेंज रोवर? हाँ मुझे याद है, और मेरे को ना तेरे को इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताना था, मैंने तुझे कॉल भी किया था यार, तेरा नंबर बन जा रहा था।
नंबर आ यार वो दिक्कत हो गई थी मोबाइल में, जिस करके अब बॉडी गार्ड का मैं फोन चला रहा हूँ। पहले एक सेकंड इस साइड में, और ये वाइट जी वैगन को तू पहचानता है? अभी ये वाइट जी वैगन जानी पहचानी क्यों लग रही है मेरे को? याद है तुझे हम जब पीछा कर रहे थे और ये बंदा ब्रिज से गाड़ी भगा कर भाग गया था? हाँ, लास्ट टाइम तेरे बंकर के सामने, जब तेरे बंकर में कुछ लूट वगैरह हो गई थी, उसका सीन है ना? तू यकीन नहीं करेगा, ये जी वैगन किसकी है? किसकी है ये? ये जी वैगन अंकित की है। यार ये अंकित की जी वैगन, मतलब उसने तेरे बंकर में ऐसा काम करवाया है? हाँ भाई, पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, ये सब अंकित कर रहा है। वाइस सिटी में नहीं है वो, लॉस सैंटोस में ही है। यार नहीं, हो नहीं सकता, वो तो वाइस सिटी में था लास्ट टाइम, मेरे को याद है। नहीं भाई, वो वाइस सिटी में नहीं है, और अंकित अभी अकेला नहीं है भाई, उसके साथ एक और बंदा है जो उसकी हेल्प कर रहा है। मतलब एक बच्चे के साथ दूसरा बच्चा हो गया भाई, तू बोल सकता है, पर इस बार वो काफी खतरनाक हो गया है और वो भाई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। यार वो क्या कर लेगा, मेरे सामने तो आने में डर जाता है वो। भाई उसने मेरे बंकर से चोरी की है, हम लोग उस दिन ढूंढ रहे थे ना, वो अंकित ही है जिसने चोरी करी है। मैंने अंकित को नहीं पकड़ा है, पर जो दूसरा बंदा है ना, मैंने उसे पकड़ लिया है जो मेरे यहाँ से रेंज रोवर लेकर गया था। मतलब उसका जो पार्टनर था, तूने उसको पकड़ लिया? हाँ, उसका पार्टनर मेरे पास ही है। चला, मैं तेरे को उससे मिलाता हूँ। भाई कुछ बोल ही नहीं रहा, बोल रहा है कि भाई अंकित ने उसे कुछ बताया नहीं है, एक काम करते हैं चलते हैं यहाँ से। तो चलो यार, इस टाइम पर ना मैं बीबी गेमिंग की गाड़ी को ड्राइव करने वाला हूँ, और अब हमें जाना है सीधा मिलिट्री बेस पर। और ये कौन सी वाली कार है यार, बहुत तेज है ये। ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लिया है ना, मस्त एकदम बढ़िया तो है। मैं इसको ना पूरी फुल स्पीड में भगाता हूँ गाइस, पीछे से तो मैं इसको भगा करके आ रहा हूँ, और बहुत ज्यादा प्रॉपर मैं इसको ड्राइव कर रहा था अभी। और ये देखो, अब ना इसकी पूरी फुल स्पीड एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। और ओ भाई, क्या तुम्हारा भाई कट मार रहा है इधर, देख रहे हो 300 की स्पीड में चल रही है, बहुत ज्यादा प्रॉपर चल रही है यार। ओके तो गाइस, इस टाइम पर ना मैं इस गाड़ी को भगा करके पहुंच चुका हूँ सीधा मिलिट्री बेस पर। और किससे मिलवाने वाला है तो उसके पार्टनर से मेरे को? भाई उसका पार्टनर है कौन है मुझे नहीं पता, पर मैंने उसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन निकाली थी, मुझे पता लगा है कि वो वाइस सिटी का एक चोर है बहुत तगड़ा। अच्छा, चोर है कोई? हाँ वो चोर है, और अंकित भाई उसे छोड़कर भाग गया। उसको भाई वो बच्चा है यार, मैं कह रहा हूँ वो डरता है। और वो मुझे बोल कर गया है कि वो आएगा पावरफुल होकर और हम दोनों की बैंड बजा देगा। थोड़ा ज्यादा बोल जाता है, बच्चा नदान है ना थोड़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लेंगे उसको भी। कोई दिक्कत नहीं, मैं पता करता हूँ। मिलिट्री कर्नल कुछ पता लगा क्या भाई उसके बारे में? तो अभी मिलिट्री कर्नल से देख बातचीत हो गई है, मिलिट्री कर्नल बोल रहा है कि भाई उसे टॉर्चर किया, बात की, पर वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। अब बता क्या करना है? मेरे को बात करनी है उससे, मैं जा करके ना अपने हिसाब से पूछूंगा प्यार से उससे। चल आजा मिलते हैं, मिलिट्री कर्नल भी चल रहा है, देख ले भाई बात करके, मैंने तो बहुत उसे मारा था और मिलिट्री कर्नल भी मारा है। कुछ तो बताया ही होगा उसने यार, वो बस ये बोल रहा है कि अंकित ने उसे हायर किया है वाइस सिटी में, और बोला है कि मैंग और बीबी गेमिंग की बैंड बजानी है बस। उससे अकेले की तो बस की नहीं है, बंदे भी ऐसे छाट के लेके आ रहा है, वो भी जेल में पड़े हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहा है वो। अब देख ले चल के, तू बातचीत कर ले, अगर देख अगर नहीं बोलेगा मैं बजा दूंगा उसको गनगुन। कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को जैसा ठीक लगे देख कर ले। मैं तो सोच रहा हूँ कि उससे पता करते हैं और अंकित को पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं। तो चलो यार, इस टाइम पर ना हम लोग बिल्कुल उस बंदे के क्लोज पहुंच चुके हैं। और ये है क्या? हाँ वो देख ऊपर बेड पे लेटा है। एक मिनट यार, क्या हाल है भाई? हाँ भाई, क्या हाल? बढ़िया लग रहा है जेल के अंदर? जेल में भाई कैसा लगेगा यार, बढ़िया क्यों लगेगा? मतलब क्या जरूरत क्या है गैंगस्टर बनने की, बच्चों का साथ देने की? भाई यार, अंकित ना मेरे पास वाइस सिटी में आया था कि बीबी गेमिंग और कोई मयंक है, उन दोनों का हम लोग को बैंड बजानी, मतलब उनका कुछ चोरी करना था सामान वगैरह। तो मैंने पहले तो उसे मना कर दिया था, बट लेकिन फिर क्या हुआ वहाँ पे ना, मेरा कोई लफड़ा हो गया था पुलिस के साथ, तो उसने मेरी जान बचा ली। तो फिर मैंने कहा यार इसका काम कर ही देते हैं, इसने मेरी जान बचाई है। लेकिन अब जब यहाँ पर आए तो फिर बाकी तो आपको बता ही दिया होगा बीबी गेमिंग ने। वैसे तो मयंक तो मैं ही हूँ, और वो बच्चा पता नहीं कैसे बचा करके ले आया, मेरे को पता नहीं है। अच्छा मयंक आप ही हो? हाँ मैं ही मयंक हूँ। अच्छा अच्छा, अब मेन बात तो यही करने आया हूँ मैं तेरे से, उसका साथ दे करके मिला क्या है? वैसे अब बता दे यार किधर है वो। यार मेरे को ना जो भी पता था मैंने इस मिलिट्री कर्नल को सब कुछ बता दिया, बाकी उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही होगा। और अंकित का ना मेरे से कोई लेना देना नहीं, मेरी ना आप दोनों से पर्सनल दुश्मनी है। मैं सिर्फ, मेरे को एक काम मिला था जो मैं काम करने आया था, लेकिन वो काम भी अब मैं अंकित के साथ करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरे को छोड़ के चले गया। अगर आपको अंकित मिलता है तो, हाँ उसने मेरे को धोखा दिया, अगर अंकित मिलता है तो मैं खुद उसको मारने के लिए तैयार हूँ आप लोग के साथ मिलके। अबे यार इसको कुछ नहीं पता यार, इसकी बातचीत से मेरे को पता चल गया डरा हुआ है ये। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, देख ये ना मुझे लगता है कोई चोर है बस और ज्यादा कुछ नहीं है। लग रहा है मेरे को।
ये सारा प्लान ना अंकित का ही है, देख वही प्लानिंग कर रहा है यहाँ पे बैठ के। एक बंदा तो चल उसका पकड़ ले, इसको अंदर ही रखेंगे ठीक है, जेल में जाने नहीं देंगे इसको। हाँ, मैं ऐसे कहीं नहीं जाने दे रहा, मैंने उसे बोला है कि अगर हमारा साथ देगा तभी मैं तेरे को वाइस सिटी भेजूंगा। चल कोई दिक्कत नहीं है, इसको भेज देंगे, इसको मारेंगे नहीं। पहले मैं गया था मारने, बाद में इज्जत से बात कर रहा है तो मैंने सोचा छोड़ देते हैं चल अभी। हाँ मुझे भी लग रहा है कि देख वो कोई गैंगस्टर वगैरह नहीं है, देख वो नॉर्मल सा एक चोर है। हाँ चोरी करता खतरनाक तरीके से है। हाँ सही था चोर, मतलब ठीक है जो भी है यार, अगर ज्यादा कुछ चला के दिखाएगा तो तुम्हें पता है हाथ में कौन कौन से वेपन है अपने, मार मूर देंगे भाई पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो बच्चा पकड़ना है मेरे को, कहाँ पर है वो भाई पता नहीं कहा है यार, उसने इतना नुकसान कर दिया है, अब तू थोड़ा बच के रहना। देख मेरे तो भाई बंकर पे चोरी कर लिया उसने। अबे कुछ नहीं कर सकता वो मेरे सामने, सही बता रहा हूँ कुछ भी नहीं कर सकता, डरता बहुत है। एयर डिफेंस तक ही आएगा अगर मेरे घर पे, सीधा एयर डिफेंस उड़ा देंगे उसको। मेरे साथ बॉडीगार्ड रहते हैं, मेरे पास आएगा तो मेरे बॉडीगार्ड उड़ा देंगे उसको, भाई कुछ नहीं कर सकता, सही बोल रहा हूँ मैं। अब पता नहीं यार, देख मैंने भी यही सोचा था और तेरे को पता है, देख चोरी करी और हम पकड़ भी नहीं पाए उसे। हाँ ये तो है। और एक मिनट यार, ये लूसिया को क्या हो रहा है भाई, कॉल क्यों कर रही है? अब यार इस टाइम पर मेरी लूसिया से जस्ट अभी अभी बात हुई है और वो कह रही है कि अंकित आया था घर पे। अबे यार अभी लूसिया से मेरी बात हुई है, वो कह रही कि अंकित आया था घर पे, मेलुबी मेंशन में, तेरे घर पे। अबे वो तबाही मचाओगे यार, लूसिया का ना एक लैपटॉप चुरा करके लेके गया जिसके अंदर सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मेरा बैंक अकाउंट का एक्सेस है, सब कुछ उसी में था। चले फिर घर अभी फटाफट। अबे यार एक चीज और बताई थी, वो पैंथर को भी उठा करके लिख गया मेरे, जो कि मेरा फेवरेट है। पैंथर को कैसे ले गया भाई वो? अबे यार पता नहीं, उसको पता है कि मेरा फेवरेट पैंथर है तो वो पैंथर को उठा करके ले करके भाग गया, दोनों पैंथर को। भाई मैंने बोला था ना देख तेरे को अंकित के बारे में यार, तू बोल रहा था देख कुछ नहीं कर पाएगा वो। यार मेरे को लग रहा था कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इस टाइम पर ना गाइस उसने पैंथर को कैसे हाथ लगा दिया। मैं ना उसको बिल्कुल भी अब नहीं छोड़ने वाला सही में। सबसे पहले ना हम लोग मेलुबी मेंशन चल रहे हैं ठीक है। हाँ चल चल कोई दिक्कत नहीं है, वहीं चलते हैं। लूसिया बोल रहे हैं कि उसने ना एयर डिफेंस को नुकसान पहुंचाने की ट्राई करी लेकिन कुछ कर नहीं पाया, कोई व्हीकल लेकर के आया था वो, फिर भाग गया बस सामान चुरा के। भाई वो यही तो करता है, चोरी कर रहा है और भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं पकड़ते हैं यार उसे। तो चलो यार अब जल्दी से ना हम लोग अपनी इस गाड़ी को भगा करके चलते हैं सीधा मेलुबी मेंशन पर। ओके तो गाइस इस टाइम पर ना हम लोग मेलुबी मेंशन पहुंच चुके हैं और एक मिनट, ओ देख तबाही कितनी ज्यादा है यार घर के बाहर। भाई ये सब अंकित करके गया है क्या? अबे यार इतना नुकसान वो बच्चा कर सकता है मेरे को पता नहीं था। और ये देख सारा धुआं वगैरह निकल रहा है, धुआं निकल रहा है भाई। और ऊपर की साइड अपने एयर डिफेंस वर्किंग में, लेकिन एक मिनट भाई ये क्या कर गया अपनी गाड़ियों के साथ? भाई पता नहीं, वो देख लूसी आ रही है, तू बात कर मैं भाग के देखता हूं मैं। और ये परेशान सी लग रही है बहुत ज्यादा और गिर गई। अबे भाई इसको तो नहीं कुछ करके चला गया मार उर के वो? एक मिनट इधर आ यार, इधर आ, चल दिया लूसिया, इससे ना पूछना होगा अपने को। और ये देख रहे हो गाइस अपनी मेबैक, भाई इसको मैं भाई परसों ही परचेज करके आया था, इसको भी भाई क्या कर दिया मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा नुकसान करके चला गया। अपनी निसान GTR इधर है, बाकी अपनी गाड़ियाँ यार इधर, भाई क्या कर दिया यार उसने, ये अपने टायर्स जो है इतना नुकसान करके गया और बाकी अपने पैंथर को भी लेकर के भाग गया है। और लूसिया कह रही है कि वो जो लैपटॉप है इसके लिए बहुत ज़्यादा मेन है, उसके बिना ये हैकिंग वगैरह नहीं कर सकती क्योंकि सारे जितने भी कोड्स हैं, जितनी भी ये कोडिंग वगैरह करके हैक करती है ना, वो सारा का सारा उस लैपटॉप में है और वो जो लैपटॉप है इसकी मेन चीज है। ये कह रही है कि अगर जैसे तैसे उसके हाथ में अपने पर्सनल डेटा वगैरह लग गए तो वो बैंक अकाउंट को चुटकियों में हैक कर देगा और यार उसको सारी अपनी लोकेशंस के बारे में पता चल जाएगा। अबे प्रॉब्लम ही है यार बहुत ज्यादा, उसको कहां से ढूंढे। अब तो लूसिया कह रही कि मैं हैकिंग नहीं कर सकती बिना लैपटॉप के। मैं एक काम करता हूं, घर पे ही रह, मैं काम करता हूं, मैं जा रहा हूं पुलिस की टीम लगा के अंकित को ढूंढता हूं और तू यहां पे देख ठीक है। यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं शेख के पास जा रहा हूं। ठीक है तू शेख के पास जा और मैं उसे ढूंढता हूँ, अगर कुछ पता लगेगा मैं कॉल करूंगा। चल ठीक है। तो देखो गाइस इस टाइम पर ना बहुत हो गया भाई, अब बारी है शेख को अपनी टीम में ले आने की। उसके लिए हम लोग काम कर रहे थे ठीक है, अब वो ठीक ठाक अपना फ्रेंड भी है तो मैं यहाँ से ना अपनी बाइक को लेकर के चलता हूँ सीधा अपने दुबई वाले शेख के पास और उससे चल करके अब एक ही चीज बोलने वाला हूँ मैं कि देख यार अंकित नाम का एक दुश्मन है मेरा, बहुत ज्यादा तगड़ा ही है, मतलब उसने इतना ज्यादा नुकसान कर दिया ना भाई, मैं उसको बच्चा समझ रहा था लेकिन वो बच्चा नहीं है भाई। देखा जाएगा यार कुछ भी होगा, लेकिन शेख से मैं जाकर के बोलूंगा कि उसकी हमें गेम बजानी है, अब जो भी कर
जैसे तैसे मेरी मदद कर, बस उसकी गेम बचानी है तो बचानी है। तो ठीक है, अब जल्दी से ना हम लोग अपनी बाइक को लेकर के चलते हैं सीधा अपने तुपई के शेख के पास। ओके तो गाइस, इस टाइम पर मैं पहुंच गया हूं बाइक को भगा करके सीधा शेख के बंकर पर। और सही में गाइस, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। और ये देख रहे हो क्या जंप मारी है, सीधा बंकर के अंदर आते आते रह गया मैं। और देखो एक बार ना इनसे चल करके मैं बातचीत करता हूँ कि जो शेख है वो बंकर में है या तो वो दुबई है, क्योंकि कॉल तो मैंने नहीं करा, बिना कॉल करके ही आया मैं उसको। तो ठीक है गाइस, इससे ना मेरी बातचीत तो होगी है। ये कह रहा है कि सर नीचे की साइड है, मीटिंग वगैरह चल रही है उनकी। तो चलो यार देखा जाएगा, जो भी है अपने को तो ना कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, शेख एक तरह से अपना खास फ्रेंड है। तो ठीक है, चलो गाइस इस टाइम पर मैं बाइक को नीचे की साइड लेकर के तो आ गया हूँ। अब जल्दी से ना अपने को इसको इधर पार्क कर देना चाहिए। और मेरा दिमाग सही में बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। और अपने को क्या काम करना है, अपने को ना अंकित की गेम बचानी है। और सामने की साइड कोई बंदा खड़ा हुआ है, मेरे को लग रहा है सही में यार इसकी डील चल रही है। तो मैं जा करके बीच में डिस्टर्ब तो नहीं करूँगा, मैं ना चुपचाप से इधर आकर के साइड में खड़े हो जाता हूँ। और ये कौन है यार बंदा, मेरे को तो कोई तगड़ा बिजनेसमैन लग रहा है, या तो पता नहीं यार इसके तो लिंक है ना शेख के बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े हैं यार। अब कोई होगा यार कोई बंदा, मैं ना इधर जस्ट वेट करने वाला हूँ। और वो देखो वो सामने की साइड से ये बंदा जा चुका है। और मेरे को एक काम करना चाहिए, जल्दी से ना मैं शेख के पास चलता हूँ और इससे ना चल करके बातचीत करता हूँ। तो देखो यार मेरे साथ बहुत ज़्यादा बड़े वाला सीन हो चुका है, मेरे को एक बंदे की गेम बचानी है जिसमें मदद तुम ही कर सकते हो मेरी। देखो गाइस इस टाइम पर शेख से मेरी बात हो गई है, लेकिन शेख कह रहा है कि इसको अभी के अभी मीटिंग के लिए निकलना है। और वहाँ पर ना यार इसकी जो स्पीच है भाई कुछ बंदों के सामने, अब ये उसी की प्रेपरेशन वगैरह कर रहा है। और ये कह रहा है कि देख मैं तेरे साथ हूँ, और नहीं भी हूँ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं तेरे को एक चीज़ देता हूँ और उसकी मदद से तू आराम से अपने दुश्मन को मार देगा। तो इसने अपने को एक ना लोकेशन के बारे में बताया, तो हमें ना जस्ट उस लोकेशन पर जाना है। अब पता नहीं गाइस वहाँ पर मेरे बेनिफिट के लिए क्या दे रहा है यार, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन कह रहा है कि वो जो चीज़ है ना तुझे मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तो उसी से अपने दुश्मन को ख़त्म कर देगा। अब चल करके एक बार देखते हैं उस लोकेशन पर। अब यार अपने को ना उस लोकेशन पर जाना पड़ेगा, और वो जो लोकेशन है वो यहाँ से थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर की साइड नहीं है, ज़्यादा क्लोज भी नहीं है। ठीक है यार भगा करके मैं बाइक को निकलता हूँ इधर से, और अपने को ना यहाँ से पूरे फुल स्पीड में जा रहा है। तो चलो भगाता हूँ बाइक को, निकलता हूँ इधर से। ओके तो गाइस इस टाइम पर ना मैं अपनी ZX10R को भगा करके एक लोकेशन पर आ चुका हूँ। और जो शेख है उसने ना LDWP कुछ ऐसे करके एक बिल्डिंग का नेम बताया था, और ये देख रहे हो LSDWP है यार ये लेफ्ट साइड में। और एक मिनट, मेरे को ना एक शेख का कोई बॉडीगार्ड इधर नज़र आ रहा है, और इससे बात होगी होगी शायद से शेख की। और इसके पास चलते हैं, और इसने मेरे को इशारा कर दिया अंदर जाने के लिए। और हाँ यार लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर एक साइड एक बोर्ड है पास होल्डर्स ओनली। और ये देख रहे हो अब हमें एंट्री मिल चुकी है, अब अपने को क्या काम करना है, यहाँ से जाना है आगे की साइड। चलो इस टाइम पर हम लोग ना अंदर की साइड आ चुके हैं, अपनी पूरी चेकिंग वगैरह हो चुकी है। और एक मिनट यार, ये ऐसी लोकेशन है शायद से जहाँ पर शेख के सारे वेपन्स हैं, बहुत ज़्यादा बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं उसके पास। और ये देखो गाइस हर तरफ बुलेट प्रूफ आर्मर गन लगी हुई है एक एक व्हीकल पे, ऊपर तो डबल डबल मिसाइल्स हैं, और किसी किसी पे तो मशीन गन लग रखी हैं दो दो। और मेरे को लग रहा है ना ये अपने को बोल रहे हैं कि अपने को कोई भी एक गाड़ी या तो जितनी भी अपने को नीड है वो अपने को ले लेनी चाहिए। और सबसे पहले ना मैं इन टैंक्स के पास चलता हूँ, पता नहीं गाइस इनको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता तो जरूर से ना कमेंट्स में बताना। लेकिन फिलहाल तो इनको मैं अभी बुलेट प्रूफ टैंक बोलने वाला हूँ। और भाई ये क्या चीज़ है यार, बहुत ज़्यादा तगड़ी है। तो मैं सोच रहा हूँ ना किसी एक को लेकर के चलता हूँ इन दोनों में से। और ये जो ऑरेंज कलर का है मेरे को तो ये बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा है, तो एक काम करता हूँ अब जल्दी से ना इसके अंदर चल करके मैं बैठता हूँ। तो ठीक है गाइस इस टाइम मैं इस डोर को ओपन करके बैठ चुका हूँ, और एक बॉडी गार्ड था ना वो देखो वो आगे की साइड जा करके बैठ चुका है। और ये देखो यार ये क्या चीज़ है, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। लेकिन एक मिनट, ओ भाई मैंने एक बटन को प्रेस करा और ये जो मिसाइल्स हैं इसके अंदर से मिसाइल्स निकल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार।
तो ठीक है, वैसे ना मैं अपने इस बंदे को बोल देता हूँ कि इस व्हीकल को बाहर की साइड निकाल देगा और फिर मैं इसको ना ट्राई करके देखता हूँ चला करके ये कितना ज़्यादा बुलेट प्रूफ है और कितना ज़्यादा तगड़ा है। तो चलो अब जल्दी से चलता हूँ सीधा बाहर की साइड। तो चलो गाइस देखो सामने की साइड ना उन्होंने उस बुलेट प्रूफ ट्रक को निकाल दिया बाहर की साइड और इन्होंने मेरे को बोला था कि बैक टूर पर जा और वहाँ अपने आप ट्रक हम लोग लेकर के आ जाएंगे। और ये देख लो गाइस ये ट्रक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मेरे को बैठने का इसके अंदर। चलो एक बार ना मैं चल करके इसके अंदर बैठता हूँ और आपको पता है मेरे को लग रहा है ना कि दो लोग इसको मिल करके चला सकते हैं क्योंकि अभी ना मिसाइल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं उठी थी। और यहाँ पर अब मैं पीछे की साइड बैठ चुका हूँ और अब मैं बटन को करता हूँ जल्दी से प्रेस और यहाँ देख रहे हो गाइस जो मिसाइल्स हैं वो अब खुल चुकी हैं। अबे यार ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा ट्रक लग रहा है भाई मेरे को, और पीछे की साइड से ना इसके स्मोक्स वगैरह निकल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। तो चलो अब जल्दी से मैंने बटन वगैरह तो इसका प्रेस कर दिया है और जो मिसाइल्स हैं वो बंद हो गई हैं, लेकिन मैंने इनको टेस्ट करना चाहता हूँ यार कि ये मिसाइल्स कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन उसके लिए मेरे को दो बंदे चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि बीबी गेमिंग को एक बार मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, या तो अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर लूँगा। तो ठीक है यार बाइक को तुम अंदर ही रख लो, भाई तुम बाइक को अंदर ले जाओ, मैं इसको बाद में ले जाऊंगा। फिलहाल इस टाइम पर गाइस अपने हाथ में ये तगड़ा सा व्हीकल आ चुका है और अब समझ रहे हो जो अंकित है अब तो भाई उसकी गेम बजने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब वो गया भाई, वो एक तो है अकेला, ऊपर से उसने मेलू भी मेंशन में भाई गलती कर दी है घुस करके। तो देखो गाइस इस टाइम ना इस ट्रक को चलाने के लिए दो बंदे चाहिए, ठीक है। ये जो ट्रक है ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, अकेले की बस की बात नहीं है इसको ड्राइव करना। देखो एक बंदा ना सामने की साइड से इसको ड्राइव कर लेगा और आगे की साइड कुछ गन्स लगे जो पीछे मिसाइल्स हैं। तो मैंने अपने बॉडी बिल्डर को कॉल करा था और वो कह रहा है कि वो बस पहुंच नहीं वाला है और वो अपने किसी फ्रेंड के पास आया था कोई काम। अब बस मेरे को ना उसका वेट करना है कि वो कब आएगा भाई, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बुलेट प्रूफ ट्रक को ड्राइव करने के लिए। ऊपर से जो पीछे की साइड मिसाइल्स लगी है ना मेरे को उनको यार एक बार देखना है चला करके। और वो देखो आ गया भाई, बहुत ज़्यादा जल्दी आया यार पूरी फुल स्पीड में भगा करके। तो ठीक है यार तू इसको ड्राइव कर, इस वाले टूर में बैठ, मैं ना इसकी मिसाइल्स वाली टूर में बैठूंगा। और यहाँ पर अब जल्दी से हम लोग चढ़ करके बैठते हैं, थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं क्योंकि ये जो मेन सिटी वाले एरिया है ना जो हाईवे का है यहाँ मैंने इसको ड्राइव करूंगा। अगर इधर हल्के से भी फायर वगैरह करा हमने तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलो अब जल्दी से ना हम लोग इधर से ना आगे की साइड चलते हैं, थोड़ी सी जो सुनसान जगह है वहाँ पर अपना जो बॉडी बिल्डर है इस ट्रक को लेकर के चलेगा और वहाँ हम लोग उस बटन को प्रेस करेंगे जो पीछे की साइड मिसाइल्स हैं वो ऊपर होंगी और हम लोग फिर चला करके इनको देखने वाले हैं। अब बस सुनसान सी कोई लोकेशन मिल जाए भाई। तो चलो गाइस इस टाइम पर हम लोग पहुंच चुके हैं सुनसान सी लोकेशन पर जो कि अपना बॉडी बिल्डर अपने को लेकर के आ गया है और फोन कह रहा है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा तगड़ा व्हीकल लग रहा है। बाकी पीछे की साइड कह रहा था ये पाइप्स से क्या रख रखी हैं, उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मिसाइल्स हैं। लेकिन अब मैं उसको दिखाने वाला हूँ इन मिसाइल्स का कमाल। और जो बटन है अब जल्दी से ना मैंने उसको प्रेस कर दिया है और यहाँ पर जो इसके नीचे स्टैंड लग जाता है और जो मिसाइल्स हैं ये आ जाती हैं भाई बाहर की साइड, देख रहे हो। और अब मैं एक काम कर सकता हूँ इसको शूट करने की ट्राई करता हूँ सामने की साइड ना हवा में करते हैं थोड़ा। ओह भाई ये तो बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा है, धमाका करेगा क्या कोई? करेगा यार ये तो करेगा धमाका, सामने की साइड शूट करते हैं इसको, बहुत ज़्यादा सही है यार। वो देखो आपको आवाज़ आई होगी तो इधर करके देखते हैं एक बार। ओह भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मेरे को लग रहा है ना ये अपने एयर डिफेंस से भी ज़्यादा तगड़ा हो सकता है शायद से। अब पीछे की साइड थोड़ा करते हैं इसको, यार ये तो बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है यार। हम लोग अब अंकित की ना चुटकियों में गेम बजा देंगे, सही बोल दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पर अब एक मिनट, कोई बंदे आए हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, आने दो। अब हम लोग एक काम करते हैं इन मिसाइल्स से ही मारते हैं यार इन्हें। बॉडी बिल्डर तू यार पीछे की साइड बैठ, मैं तो कह रहा हूँ कि इनको इस मिसाइल से शूट करते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। चलो अब जहाँ भी बंदे होंगे मैं वहाँ पर चलने वाला हूँ और इनकी चल करके ना वहीं पर मैं गेम बजा दूंगा। और एक बंदा लेफ्ट साइड से आ रहा है बाइक लेकर के, बिल्कुल जस्ट मेरे सामने है। और अब भाई ये मरने वाला है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, भाग रहा है भाई, अब तो गया ये, सही मैं बोल रहा हूँ, अब ये ख़त्म हो जाने वाला है। और यहाँ पर एक बंदा आ रहा था, लो भाई ख़त्म हो गया है वो बंदा भी, और जो सामने था वो भी ख़त्म हो चुका है। और एक जा रहा है भाग के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जल्दी से ना हम लोग इस ट्रक को यहाँ से भगा करके आगे की साइड चलते हैं और मैं ना बीबी गेमिंग को एक बार कॉल करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि अपने पास बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ लगी है, अंकित क्या कोई भी आ जाए उसके हम लोग गेम बजा देंगे इस बुलेट प्रूफ ट्रक से।
चलो यार भगाता हूँ इसको और उसको मैं कॉल करता हूँ। देखो गाइस इस टाइम पर ना मेरे को बीबी गेमिंग का कॉल आ गया था जब भी मैं उसको करने लगा और वो कह रहा है कि जल्दी से ना मेरी बताई हुई लोकेशन पर आ और वो ना किसी विलेज की साइड है तो मैं उसके क्लोज आ चुका हूँ और हम लोग इस टाइम पर अकेले हैं। जो अपना बॉडी बिल्डर था उसको मैंने टैक्सी वगैरह करा करके घर भेज दिया है। तब पता नहीं यार उसने क्यों अपने को इमरजेंसी में बुलाया है लेकिन वो कह रहा है ना कुछ रिलेटेड बात है पैंथर्स के। अब भाई भगाना होगा अपने को इस ट्रक को और यार अंकित मिल जाए ना भाई मैं तड़पा हुआ हूँ भाई उसको मारने के लिए। अब जल्दी से सामने की साइड मैं आ गया हूँ और मेरे को ना कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं पुलिस वालों की और ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पर वही गाड़ी है ना जो बीबी गेमिंग के पास थी। रुको मैं ना इसको यहाँ पर करता हूँ पार्क और ये खड़ा हुआ है तो चलो क्या हो गया जल्दी बता ये किसका ट्रक लेकर आ रहा है। अबे ये शेख ने अपने को दिया है अंकित से फाइट करने के लिए बहुत तगड़ा है ये भाई ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। दो लोग चला सकते हैं पीछे की साइड ये देख रहा है जो पाइप्स हैं ये मिसाइल्स हैं तगड़े वाली। भाई ये ट्रक तो तू बहुत सही लाया है बाकी एक साइड में मैं तेरे को बताता हूँ मैंने तेरे को यहाँ पे बुलाया क्यों है। चल जल्दी बता हुआ क्या इधर। पुलिस वालों का मेरे पास कॉल आया था और उन्हें पता लगा है कि जो ये सामने गांव है ना पीछे हाँ यहाँ पर पैंथर को देखा गया और काफी सारे गैंग वाले बंदे भी हैं। मारा पैंथर था क्या भाई अब मुझे ये नहीं पता देख कौन सा पैंथर था पर देख सिटी में ना बहुत कम लोगों के पास है और दो पैंथर एक साथ तो किसी पे भी नहीं है। समझ गया मेरे को लग रहा है यार ये अंकित हो सकता है इधर ही किसी विलेज में छुपा हुआ। हो सकता है कि वो छुपा हो और भाई गैंग भी यहाँ पर देखी गई है तो मैंने तुझे को फोन कर दिया। अब तू बता क्या करना है सीधे अटैक करे या पहले एक बार चल के देखे। तू बता अटैक करे तू बता यार मेरे तो दिमाग इस टाइम पर आ रहा है सीधा मारो उसको जाके। एक बार अगर चल के देखते हैं क्योंकि गांव वालों को ना परेशान नहीं करते हैं। चल ठीक है एक बार चल के देखते हैं पुलिस पीछे ही रहेगी। हाँ पुलिस पीछे है जब मैं उन्हें बोलूंगा तो वो आ जाएंगे सीधे। चल ठीक है फिर मैं तेरे पीछे हूँ जस्ट। और देखो गाइस इस टाइम पर ना शायद से अंकित यहाँ पर हो सकता है और हम लोग बहुत ज्यादा अलर्ट हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर कोई बंदा खड़ा हुआ है। ये मेरे को कोई गैंग वाला तो नहीं लग रहा है नॉर्मल सा ये गैंग वाला लग रहा है क्या तेरे को। नहीं नहीं ये गैंग वाला नहीं ये तो नॉर्मल गांव वाला ही लग रहा है मुझे यहाँ का। ठीक है फिर ठीक है। अबे वो देख सामने की साइड एक हेलीकॉप्टर है। अबे हाँ छत पे एक बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर खड़ा है। राइट में कुछ गैंग के बंदे लग रहे हैं भाई मेरे को गैंग वाले लग रहे हैं शायद से वो। भाई अब तो मेरे को यकीन हो गया देख अंकित यहीं पे यहाँ चल के देखते हैं। चल देखते हैं आगे की साइड चल करके बाकी अगर कोई दिक्कत हुई तो हाईटेक वेपन्स गाइस अपनी जेब में है अभी निकाल करके सबको बजा दूंगा मैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक राइट साइड में मेरे को गाड़ी नजर आ रही है वो देख अबे वो कौन है एक भाई मुझे मैं मोबाइल से जूम करता हूँ अंकित जैसा लग रहा है मुझे शायद वो ये अबे वही है ये। एक मिनट यार मैं जा रहा हूँ उसको मारने ठीक है तू जा करके टैंक वगैरह ले आ जो भी अपना है। इस टाइम पर ये अंकित है भाई मेरे फाइनली सामने आ चुका है और इस टाइम अब हट इधर जो भी बंदा है इसको हमने बचा दिया है और पीछे की साइड में कुछ गैंग वाले बंदे थे उनको भी हमने खत्म कर दिया है और यहाँ पर मैं नहीं छोड़ने वाला। और ये देखो अपने पास किसी के वेपन है हाईटेक वाले और आ जा भाई ये बच्चा मेरे सामने आ गया है और अब देखो यार इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अब हट इधर से इसका जो गैंग का एक पार्टनर है ओ भाई एक आधा मेरे को लग रहा है मैंने उसके बचा दिया शायद से और वो डर के मारे इधर से भाग रहा है। रुको अपने हाथ में एक ग्रेविटी गन रखते हैं और अब चलते हैं सीधा आगे की साइड और अगर अब मेरे को दिख गया ना सामने ऐसी उसकी गेम बजाऊंगा। और ये देखो पीछे की साइड इन्हें पता ही नहीं है कि बंदा पीछे आ चुका है और यहाँ पर दो बंदे हैं ना। रुको ये मेरे को फायर कौन कर रहा है नहीं 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 पीछे की साइड एक बंदा था इसको हमने बचा दिया है ठीक है गाइस। और यहाँ पर बीबी गेमिंग आ चुका चल निकल इधर से ओ भाई बजा उसके बजा एक ग्रेविटी गन बजी और वहाँ पर मेरे को अब एक काम करना होगा। रोक 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 मैं बैठ के देखता हूँ जल्दी से अब तो गया ये अब नहीं मैं इसको छोड़ने वाला। देखो गाइस यहाँ पर ना दो तीन बंदे आ गए थे जिनको हमने बचा दिया और कुछ बंदे पीछे की साइड हैं तो इसको भी हमने मार दिया है और अब बैठ गए हम लोग इस वाले ट्रक के अंदर। और कहाँ गए अंकित पता क्या तेरे को कुछ भाई मुझे नहीं पता भी नीचे ही दिख रहा था तू अटैक कर उसके ऊपर। जल्दी से मैं अटैक करता हूँ बटन को प्रेस कर दे जल्दी से तो इसकी जो मिसाइल्स हैं वो आ गई हैं। तो चलो गाइस इस टाइम पर हमारे हाथ में आ गई है मिसाइल्स और ऊपर की साइड कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है वो देख सामने एक छत पे भी एक बंदा है। एक मिनट ये जो हेलीकॉप्टर के बुलेट प्रूफ है क्या भाई वही लग रहा है बुलेट प्रूफ ही लग रहा है वही नहीं है कुछ भी। रुक जा भाई एक काम कर इसके पीछे लगा ठीक है अब लगा इसके पीछे। इसके पीछे लगा रहा हूं मैं चल लगा। और ये देखो गाइस मेरे को लग रहा है ना अंकित इसके अंदर है और यहाँ पर टक्कर वगैरह मार रहा है भाई ये हेलीकॉप्टर से क्या गंदा सीन हो गया इधर। चलो गाइस इस टाइम पर हमारा जो ट्रक है ये आगे की साइड जा रहा है और वो देखो भाई क्या पागलों की तरह फायर कर रहा है लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। ओ नहीं 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 मैं गलती से उतर गया तो एक काम कर तू आगे जा
रुको यार, ये एक ठीक है मैं बजा दिया मैंने, और हेलीकॉप्टर कहाँ गया उसका? पे यार अभी तक तो इधर ही कहीं था, अब मेरे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पैंथर उस हेलीकॉप्टर में थे शायद से, मेरे को लग रहा है। बिल्कुल बढ़िया न्यूज़ मिली थी अपने को बीबी गेमिंग की तरफ से। और अब यार रुको, जो सामने अपना बुलेट प्रूफ ट्रक है उस तक जाना होगा मेरे को। और पीछे की साइड ना कोई फायर कर रहा है यार, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि अपने जस्ट सामने आ जाए। मैं ना इससे खटारा सी गाड़ी में बैठ करके अपने ट्रक तक चलता हूँ, और उसके बाद उससे ट्रक में बैठ करके हम लोग जाएंगे उस हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए। रुको यार, जस्ट मैं ना इस गाड़ी को भगा करके अपने बुलेट प्रूफ ट्रक तक पहुंचने की पूरी फुल ट्राई करता हूँ, लेकिन अरे नहीं भाई, कितनी ज़्यादा बेकार गाड़ी है ये। तो ठीक है गाइस, फाइनली इस टाइम पर हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रक के क्लोज। और अब जल्दी से ना हम लोग एक काम करते हैं, इसके जल्दी से जा करके ट्रक के अंदर बैठता हूँ, और उसको कुछ भी नहीं होने वाला भाई। रुक जा, एक काम कर, मेरे को बिठा जल्दी से बिठा। ओ भाई जल्दी कर, जंप करना होगा। चलो यार अब जल्दी से ना हम लोग इस ट्रक में बैठते हैं और यहाँ से उसको मारने की ट्राई करते हैं। अब दबा दे भाई बटन। और इस टाइम पर ये जो अंकित है ना, ये बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, नहीं बचेगा भाई, ये अंकित तो गया अब। ओके तो गाइस, इस टाइम पर ना हम लोग अब इसको शूट करने की पूरी ट्राई कर रहे हैं, और ये जो अपना ट्रक है ये इस टाइम पर चल रहा है, और हम लोग चलते चलते इसको ना टेक डाउन करने की पूरी फुल ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जो हेलीकॉप्टर है ना यार, वो बहुत ज़्यादा बुलेट प्रूफ लग रहा है मेरे को, और अपने को एक काम करना होगा, अब मारते हैं इसको। इसको ना मैं बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला हूँ। और ये कहाँ जा रहा है यार, राइट साइड में। देखो गाइस, अब जल्दी से ना हम लोग इसके जस्ट क्लोज हैं, और सारे के सारी मिसाइल्स मैंने ना इस पर, मेरे को लग रहा है 40 से 50 मिसाइल्स वगैरह मार दिए, लेकिन ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको तो कुछ हो भी नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं डैमेज करूँ और इसका हेलीकॉप्टर नीचे की साइड आ जाए, और अंकित को पकड़ करके हम लोग मार दें। और वो देखो आ गया ऑलमोस्ट नीचे की साइड, टक्कर मार भाई, उस पर देखा जाएगा जो भी होगा। अरे अरे नहीं 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 नहीं, पीछे की साइड देख लो, प्लेन आराम से नीचे की साइड गिर चुका है। क्या हो गया, ट्रक में फंस गया शायद? फिर ट्रक फंस गया, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, अपनी ग्रेविटी गन से इसको मारने की ट्राई करता हूँ। और अरे यार वो बच करके निकल गया, ट्रक फंस गया निकल गया यार, ट्रक फंस गया यहाँ पे। यार इसको मैं छोड़ने नहीं वाला था, अगर मेरे जस्ट थोड़ा सा और टाइम मिलता ना, मेरे को ट्रक ना फंसा होता, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ता इसको। लेकिन एक मिनट, पीछे की साइड ना एक बंदा आ रहा है, और इसको मैंने बचा दिया है। और ये जो ट्रक है ना गाइस, ये फंस चुका, तो एक काम करते हैं, इसको मैं ना थोड़ा बहुत ही ग्रेविटी गन से हिलाने की ट्राई करता हूँ। यार क्या दिक्कत है भाई, अंकित जस्ट मेरे सामने था, और तुमने देख लिया ना यार, वो डरपोक बच्चा है, और ये ट्रक फंस गया यार, देख रहे हो। मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे अटक गया है भाई, इसे निकालने का ट्राई कर, टायर घूम रहे हैं यार, ये फंसा हुआ है। निकलेगा, निकल गया। चलो गाइस इस टाइम पर, लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं है, वो तो भाग गया होगा इधर से। और अब एक काम करते हैं हम लोग ना, इस ट्रक को लेकर के यहाँ से निकलते हैं, और अब तो कोई भी फायदा नहीं, कहाँ चले यार, अब निकलते हैं यार यहाँ से, उसका पता लगाते हैं। चल यार, अब तो लूसिया भी कुछ नहीं कर सकती, उसके पास तो डिवाइस ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कि जाएगा कहाँ, रहेगा तो लॉस सांटोस में ही। मेरे को लग रहा है ना वो बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर लेकर के आया है, और वो अपने दोस्त को बचाने मिलिट्री बेस तो नहीं गया भाई? पता नहीं, ये भी हो सकता है, पर यार तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है भाई, मिलिट्री बेस जाए वो। गया तो बिल्कुल उसी साइड को है, पता नहीं यार, मिलिट्री को अलर्ट कर दे, पुलिस वालों को अलर्ट कर दे, सबको कर दे। मैं कॉल कर देता हूँ, एक काम करता हूँ मिलिट्री का नल को। हाँ ऐसा कर दे। तो चलो गाइज यार, हम लोग ना इस टाइम पर अपने इस बुलेट प्रूफ ट्रक से निकल चुके हैं। और हाँ गाइज, अब यार बहुत ज़्यादा पानी सर के ऊपर से जा चुका है, क्योंकि उसने अपने मेलूबी में घुस करके बहुत ज़्यादा बेकार काम करा, अपने व्हीकल्स वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिए तगड़े तगड़े, जो कि मेबैक मैं परसों ही लेकर के आया हूँ, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उसको हम लोग रिपेयर वगैरह करवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होने वाली, करवा लेंगे भाई। लेकिन जो मेन दिक्कत यह है, जो लूसिया का जो हैकिंग डिवाइस था ना, एक लैपटॉप टाइप, वो उसने चुरा लिया है, और अपने पैंथर उसके पास है। तो देखा जाएगा, मैं उसको पकड़ूंगा भाई, मारूंगा मैं उसे पकड़ करके, देखना बहुत जल्द। तो ठीक है, हो सकता है कि हम लोग उसको अगली वाली वीडियो में ही पकड़ लें, अगर लक अपना सही रहा तो। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाकर के जरूर से लाइक कर देना। जो लाइक है मैं वीडियो का, वो है पूरे 40,000 लाइक्स का। चैनल पर चैनल को भी जरूर से कर दो सब्सक्राइब, हम लोग 7 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और जो अगला एपिसोड है, या तो अंकित प्लेस पर आने वाला है, या तो बीबी गेमिंग पर आने वाला है, तो जा करके चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल।